Assalamu alaikum and good morning, dear students. Have a very blessed Friday. I hope you all are good. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Ms. zamurd Students, open page number triple one, yani 111. Write down date and day here. Date is 1st January 2021. Yes, 2021 has been started. 1 2021. C.W is for classwork, and day is Friday. We were discussing about the sound. Today we will study about sound medium. Let's start reading. Sound medium. A substance through which sound can travel is called a sound medium. Sound medium क्या चीज होती है वो substance या वो चीज जिसमें से sound travel कर सके उसको हम कहते हैं sound medium. जैसे हमने last lecture में पढ़ा था कि sound air, water और solid things में से गुजर सकती है ठीक है? So air, water and solid materials are sound medium. आवाज़ मीडियम के बगैर आप तक नहीं पहुंच सकती ठीक है आवाज़ आपके कानों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मीडियम में से गुजरे सो अ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल इज़ कॉल्ड अ साउंड मीडियम एयर इज़ यूजअली द मीडियम थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल जो बहुत कॉमन या यूजअल मीडियम है साउंड का दैट इज एयर मतलब मोस्ट ऑफ द साउंड हवा में से गुजर के हम तक पहुँचती हैं सो वी कैन से दैट एयर इज़ अ यूजअल और अ कॉमन मीडियम एयर इज़ यूजली द मीडियम थ्रू विच साउंडस ट्रेवल देर इज़ नो एयर ऑन द मून सो इफ़ यू शाउट ऑन द मून नो बडी नो बडी कैन हेयर यू ठीक है क्या है देर इज़ नो एयर ऑन द मून सो इफ यू शाउट ऑन द मून नो बडी कैन हेयर यू चांद के ऊपर क्योंकि कोई हवा नहीं है आपको पता है कि चाँद के ऊपर हवा नहीं है सो so अगर आप चाँद पर खड़े होकर शाउट करेंगे तो इवन आपके पास वाला पर्सन भी आपको नहीं सुन सकेगा ठीक है क्योंकि हवा नहीं है मीडियम नहीं है जब मीडियम नहीं है तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल एंड साउंड कैन नॉट रीच टू योर ईयर्स नेक्स्ट है जी हाउ डू वी हेयर हम कैसे सुनते हैं जैसे हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें आई के स्ट्रक्चर को पढ़ा था बिकॉज वी कैन सी द थिंग्स विद आईज इसी तरह से हम साउंडस को पढ़ रहे हैं तो साउंडस को सुनने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है दैट इज ईयर कैसे सुनते हैं हम we hear with the help of our ears. Our ears are very important because we hear sounds through our ears. हमारे जो कान हैं वो बहुत अहम होते हैं How how many ears do we have? We have two ears, each on the one on each side of our face. हमारे कान बहुत एक important organ है क्योंकि हम आवाज़ों को हमारे कानों से ही सुनते हैं और आवाज़ों को सुन के ही हम अपने environment के environment से aware रह सकते हैं कि हमारे आस पास क्या हो रहा है हम उस चीज़ से अलर्ट रह सकते हैं ईच ईयर हैज थ्री सेक्शंस ठीक है कान के तीन हिस्से होते हैं आउटर ईयर मिडल ईयर एंड द इनर ईयर सबसे पहले आउटर ईयर वो पोर्शन जो कि विजिबल होता है जो आप देख सकते हैं अपने कान का वो हिस्सा दैट इज़ नोन एज आउटर ईयर द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैप्स ऑन ईच साइड ऑफ आवर हेड्स आवर हेड ठीक है हमारे सर के हमारे फेस के दोनों साइड पे जो पोर्शन हमें विजिबल होता है दैट इज़ आउटर ईयर ईच फ्लैप एक्ट्स लाइक अ फनल मूविंग साउंडस इन टू द ईयर साउंड सबसे पहले कहाँ आती है ये एक फनल शेप होता है ठीक है ये देखें साउंड सबसे पहले आउटर ईयर में आती है ठीक है सबसे पहले साउंड आउटर ईयर में आती है और देन यहाँ से मूव करती हुई आगे जाती है द रेस्ट ऑफ आउटर ईयर इज़ अ ट्यूब ये देखिए फनल शेप बाकी का जो आउटर ईयर है दैट इज दैट इज़ लाइक अ ट्यूब साउंड ट्रेवल्स थ्रू दिस ट्यूब टू रीच द इनर पोर्शन ऑफ ईयर आवाज़ यहाँ से गुजरती हुई इस ट्यूब में से होती हुई कान के अंदरूनी हिस्से तक जाती है अ साउंड इज़ अ वेरी लिटल मूवमेंट इन द एयर साउंड क्या है बेसिकली हवा के अंदर बहुत हल्की सी मूवमेंट मतलब जैसे हम वाइब्रेशन कहते हैं ना कि वन समथिंग वाइब्रेट्स इट प्रोड्यूस साउंड्स तो वो बहुत एक लिटल मूवमेंट होती है एयर के अंदर टू हीयर अ साउंड इट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू द आउटर ईयर मिडल ईयर एंड द इनर ईयर आवाज़ सुनने के लिए और उसको समझने के लिए परसीव करने के लिए ज़रूरी है कि आवाज़ आउटर ईयर मिडल ईयर और इनर ईयरस आउटर ईयर और मिडल ईयर से होती हुई इनर ईयर तक पहुँचे हैविंग टू ears ईयर्स us to टू चल द डायरेक्शन ऑफ साउंड अब हमारे क्योंकि दो कान होते हैं तो उससे क्या पता चलता है उससे हमें कैसे हेल्प मिलती है हमें साउंड डायरेक्शन पता चलता है कि आवाज़ किस साइड से आ रही है ठीक है साउंड इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अस तो हम हमारा जो राइट right ईयर है वो हेल्प करता है ठीक है और अगर हमें आवाज़ जो है वो लेफ्ट ईयर में ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट मीन्स कि हमारी जो साउंड की डायरेक्शन है दट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ईयर सो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ईयर दिस इज़ आउटर ईयर फिर उसके बाद ये देखिए दिस इज ईयर ड्रम द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ थिन वॉल इट प्रोटेक्ट्स द मिडल एंड इनर ईयर जैसे ही आउटर ईयर ख़त्म होता है अगला पोर्शन शुरू हो जाता है दैट इज़ मिडल ईयर आउटर ईयर और मिडल ईयर के दिन एक बारीक सी लेयर होती है जिसको कहते हैं ईयर ड्रम या कान का पर्दा ये बहुत नाज़ुक होती है ठीक है इसका काम क्या होता है ईयर ड्रम का ईयर ड्रम जो है वो इनर ईयर और मिडल ईयर की प्रोटेक्शन करता है ठीक है और ये बहुत नाज़ुक होता है इसीलिए अपने कान में कभी भी कोई पिन कोई चाबी वगैरह नहीं मारनी चाहिए अगर ये डैमेज हो जाए तो वी आर अनेबल टू हीयर हम सुन नहीं सकेंगे इसके डैमेज होने के बाद फिर मिडल ईयर के अंदर छोटी छोटी तीन बोन्स होती हैं दे जॉइन द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर ये क्या करती हैं ईयर ड्रम को इनर ईयर से ज्वाइन करती हैं फिर लास्ट जो पार्ट है दैट इज़ इनर ईयर इट इज़ अ टाइनी ट्यूब फिल्ड विद लिक्विड एंड टाइनी ईयरस ठीक है इसमें छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड भी होते हैं और छोटे छोटे बाल भी होते हैं सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू रिमेंबर को एक दफा रीड आउट कर लेते हैं साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स ठीक है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है नेचुरल साउंड्स कौन से साउंड्स होती है विच आर प्रोड्यूस बाय अ बॉय और एन एनिमल और आर्टिफिशियल साउंड्स वो होती हैं विच आर प्रोड्यूस बाय मैन मेड थिंग्स जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें साउंड्स कैन ट्रैवल फास्टर थ्रू सम सॉलिड थिंग्स एंड थ्रू एयर अभी हमने पढ़ा है कि साउंड जो है वो हवा की निस्बत सॉलिड चीज़ों से ज़्यादा तेजी से गुजर सकती है साउंड्स टेक थ्री सेकंडस टू ट्रैवल वन किलोमीटर तीन सेकेंड में साउंड एक किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है सबसे थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल इज कॉल्ड अ साउंड मीडियम ये भी हमने अभी पढ़ा है कि वो चीज़ जिसमें से साउंड गुजर सके उसे साउंड मीडियम कहते हैं टू हेर अ साउंड इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू अर आउटर मिडल एंड इनर ईयर ठीक है तो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पर एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे फ्राइडे है तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़